गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर इंग्लिश क्लास और आज हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 लर्न करेंगे। चैप्टर 7 तक सबका वर्क कंप्लीट होना चाहिए। चैप्टर सबने 7 तक कंप्लीट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। अगर नहीं किया है तो अच्छी हैंड राइटिंग में अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, नहीं तो वर्क ज़्यादा हो जाएगा। तो आज अब न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, द ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। अबाउट द लेसन, यानी इस लेसन में क्या दिखाया गया है। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अ स्केयर क्रो प्लेस्ड इन अ गार्डन, यानी जो पोएट है, कवि है, उसने इस एक पुतले को खड़ा किया है वहाँ पर खेत में, अपने गार्डन में। एंड हाउ बर्ड्स ऑन लाइक हिम, और बर्ड्स उसको कैसे देखती है, कैसे पसंद करती है या नहीं करती, ये इसको बताया गया है। द पोएट इज कॉलिंग इट एज एन ओल्ड मैन, जो पोएट है उसने इसको बूढ़े आदमी के रूप में बताया है, बूढ़े आदमी के रूप में उसको बोला है। देयर्स अ रैग्ड ओल्ड मैन इन द गार्डन टूडे, यानी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी गार्डन में खड़ा किया गया है। एंड गार्डनर, और जो बागवान है, गार्डनर है, उसका जो गार्डन का मालिक है, थिंकिंग सेज देयर ही कैन स्टे, यानी वो किस तरह वहाँ पर खड़ा रहेगा, उसने किस तरह उसको खड़ा किया है। हिज कोट इज इन टैटर्स, यानी जो उसने कोट पहना है वो एकदम फटा पुराना है। ही पुट्स ऑन एन ओल्ड हैट, और उसकी जो सिर पे है उसने एक पुरानी सी हैट लगा दी है। खेतों में जैसे पुतले खड़े होते हैं बर्ड्स वगैरह को भगाने के लिए, तो इसी तरह इस गार्डनर ने भी अपने खेत में एक पुतला खड़ा किया है, जिसको बिज्जू का भी बोलते हैं। ये देखो, ये खड़ा है, इसने फटा पुराना सा ऐसे कोट पहना है और एक हैट भी लगाई है। एंड द बर्ड्स डू नॉट लाइक हिम, अब जो वो खड़ा है तो बर्ड्स को वो अच्छा नहीं लग रहा, उनको वो पसंद नहीं आ रहा है। आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट, और गार्डनर ने ये सोचा कि मैं इस बारे में पूरी तरह श्योर हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि बर्ड्स उसे पसंद नहीं करेंगी। दे चिट चैटर अप देयर इन द ट्री, और वो जो बर्ड्स हैं वो आपस में कंटिन्यूसली बोलती रहेगी, चिट चैट चैटर चैटर ऐसे बोलती रहती चिड़ियाँ आपस में, कि वो उनको लाइक नहीं करती। एंड आर्ट हाफ एज फ्रेंडली एज दे यूज टू बी, और वो उससे वाकई में दोस्ती नहीं कर सकती, वो उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती और वो इसकी यूज़ टू भी है कि हमें इससे दोस्ती नहीं करनी है। बट गार्डनर ने बोला दैट्स ए गुड वर्क, कि ये बहुत अच्छा वर्क हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। इन डेड, यानी इसकी वाकई में ज़रूरत थी, क्योंकि इफ़ इट वर नॉट फॉर द ओल्ड मैन they have all my seed, तो जो वो चिड़ियाँ थी, अगर वो ये रैग्ड ओल्ड मैन खड़ा नहीं करता तो जो बर्ड्स है उसकी पूरी सीड्स खा जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है, गार्डनर ने ये बोला कि चिड़िया को भले अच्छे नहीं लगे लेकिन सीड्स को बचाने के लिए ये ओल्ड मैन खड़ा रहना ज़रूरी है। उसने उसको ओल्ड मैन का नाम दिया है और गार्डनर इस तरह से खुश है। तो ये छोटी सी पोएम है आपकी बुक में। अब ये क्वेश्चन आंसर है, ये आपको नोटबुक में करने हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन ये भी नोटबुक में करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ये आपको नोटबुक में करने हैं, ये वाले क्वेश्चन आंसर आपको नहीं करने हैं। अब ये क्वेश्चन है, नेम द ऑब्जेक्ट बाय फिलिंग द मिसिंग वोवेल्स, यानी ये जो कुछ वर्ड दिए हैं या मिसिंग वोवेल्स, कुछ मिस्टेक है और सारे
वॉवल सी है ए ई आई ओ यू, ये इनमें फिल करने, जैसे एच यू टी हट अम्ब्रेला, तो यू मिस है यहाँ पे, एम बी आर ई डबल एल ए, एल ओ सी के लॉक ताला, बी डबल ओ के बुक, सी ए टी कैट, सी एच ए आई आर चेयर, जी आई आर ए डबल एफ ई जिराफ, यानी जो भी यहाँ मिसिंग लेटर है वो यहाँ पे। अब ये ऊपर वाले में क्या है, वॉवल्स मिसिंग है, सेकंड वाले में है कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स यानी उसमें कॉन्सोनेंट्स मिस है, ए ई आई ओ यू ये तो वॉवल हो गए, और बाकी जो अल्फ़ाबेट में वर्ड होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ये एरोप्लेन ए ई आर ओ पी एल ए एन ई, इनमें सब में कॉन्सोनेंट्स फिल किए हुए हैं, एल ओ टी यू एस लोटस, तो ये यहाँ पर आपको फिल करने हैं। अब ये हॉर्स, अ सीड ग्रोज इनटू ए प्लांट बट नंबर इन ऑर्डर फॉर द पिक्चर्स एज अ प्लांट ग्रो फ्रॉम ए सीड्स, यानी बीज ही प्लांट्स बनता है, लेकिन ये अलग अलग तीन पिक्चर दी हुई है, तो किस तरह ये पिक्चर को अरेंज करना है हमें, नंबर वन टू और थ्री लिखकर, ताकि वो प्लांट्स में बन जाए। तो सबसे पहले तो ये सीड्स ही हैं, तो ये नंबर वन लिखेंगे, सेकंड नंबर पे ये खेत में हम बीज बो रहे हैं, उसके खुद पानी डालते हैं, खुदाई करते हैं, और थर्ड नंबर हमें प्लांट्स के रूप में ऐसे ये मिलता है। तो ये तीनों प्रोसेस है सीड से प्लांट्स बनने के लिए। ये कुछ साउंड है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, यानी इन साउंड्स को आपको बोलना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ए वाई, सभी में पीछे ए वाई लगा हुआ है, डे स्टे क्ले प्रे और डिसमे, यानी ए वाई सबके लास्ट में ये साउंड आ रहा है। अब आ रहा है एल वाई वाला साउंड, फ्रेंडली जॉयफुली हैवीली डेली और जेली, तो ये सारे इसके साउंड है, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे बोल बोल कर, तो आपको अच्छे से ये लर्न हो जाएंगे और आपको बोलने में आराम रहेगा, ए वाई साउंड और एल वाई साउंड। तो ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।